Very good morning, one and all. My name is Lokesh Nagar and welcome to Start Growing YouTube channel. 6 तारीख का करंट अफेयर का वीडियो आ चुका है, देखते हैं इसमें क्या है. 6 तारीख कौन कौन से करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के लिए देखते हैं. पहला करंट अफेयर क्या है, भारत ने किस देश के साथ $5 बिलियन मूल्य का S-40 मिसाइल का समझौता किया है. किस देश के साथ किया है, रूस के साथ किया है. ठीक है, S-40 400 मिसाइल समझौता किस साथ किया है, भारत ने रूस के साथ किया है. रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को. वहाँ के राष्ट्रपति क्या है, व्लादिमीर पुतिन, जो कि अभी भारत आए थे. मुद्रा है रूबल. दूसरा करंट अफेयर, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंपॉर्टेंट है. ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया, लखनऊ में मनाया गया. ठीक है, और अपने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन. जब लखनऊ की बात हुई है, लखनऊ कहाँ पे है, यूपी की कैपिटल है, तो यूपी के बारे में अपन को कुछ करंट अफेयर्स पता होने चाहिए. जैसे यूपी की राजधानी है लखनऊ, वहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है राम नाइक, और वहाँ का राज्य पशु है बारहसिंगा, राज्य पक्षी है सारस, राज्य वृक्ष है अशोक और राज्य पुष्प है पलाश. वहाँ का लोक नृत्य देखें तो रास कजरी, और शास्त्रीय नृत्य देखें तो खत्तक वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है. ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं. अगले वर्ष 36वें खेल राष्ट्रीय खेल कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, गोवा में किए जाएंगे. अब गोवा की बात हुई है तो गोवा की राजधानी क्या है, आप उनको पता होना चाहिए, वो है पणजी. सीएम है मनोहर लाल पारिक और वहाँ के गवर्नर है मृदुला सिन्हा. गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा राज्य है, और सिक्किम की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से. ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1994 से स्टार्ट हुआ था. ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, ये बिहार में होगा, पटना में, राजधानी पटना में होगा. बिहार की बात हुई तो राजधानी है पटना, सीएम है वहाँ के नीतीश कुमार और गवर्नर है लालजी टंडन. ठीक है, ये जो रेलवे के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं करंट अफेयर डाल रहा हूँ. बाकी एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए जो करंट अफेयर्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो डालता हूँ मैं उनको देख लीजिए, रोज़ के वीडियो डालता हूँ, सारे अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैंने ये. अगला करंट अफेयर देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन शहरों में मेट्रो रेल परियोजना की मंजूरी दे दी है, 2 शहरों के लिए दी है, भोपाल और इंदौर. भोपाल में कितने किलोमीटर की, 87 किलोमीटर की मंजूरी दी है. भोपाल इंदौर कहाँ के हैं, ये एमपी के शहर हैं. एमपी की बात करें तो वहाँ की राजधानी है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल. और वहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फौसिल राष्ट्रीय उद्यान, ये किस में है, मध्य प्रदेश में है. अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार किसानों को कम गहराई वाले 1 लाख ट्यूबवेल देगी, किस राज्य की सरकार देगी, असम राज्य की सरकार देगी किसानों को कम गहराई वाले 1 लाख ट्यूबवेल. असम राज्य की बात करें तो राजधानी है दिसपुर, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी. असम के अगर राष्ट्रीय पार्क देखें तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही है. चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, असम है. और वहाँ के जो फेमस पर्व है वो है बिहू, और कामाख्या मंदिर कहाँ पे है, असम में है. ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पेन में भारत का राजदूत कौन नियुक्त किया गया, अभी वो है संजय वर्मा, स्पेन के राजदूत नियुक्त किए गए हैं भारत की ओर से. अगला क्वेश्चन, किस देश के सर्जन को 2018 नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस देश के सर्जन को, दक्षिणी सूडान के सर्जन को किया गया, और उन सर्जन का नाम क्या है, इवान अतर अदाह को उनका नाम है. ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, किसने जीत लिया है, मणिपुर राज्य ने इस खिताब को जीत लिया है. मणिपुर की बात हुई है तो मणिपुर की राजधानी अपन को पता होना चाहिए जो कि है इम्फाल, वहाँ के सीएम है एन बेरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, भोपाल की बजाय किस जिले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान खोला गया, सीहोर जिले में खोला गया है. ठीक है, जो कि
मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े गुंबद का उद्घाटन किस शहर में हुआ? पुणे में हुआ, जो कि कितना बड़ा है, 160 फीट का है। ठीक है, सबसे बड़ा गुंबद कहाँ पे हुआ है? ये उद्घाटन पुणे में हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पहले हवाई अड्डे पोक्योंग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस राज्य में किया? सिक्किम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पहले हवाई अड्डे पोक्योंग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, सम्मानित कनाडा नागरिकता खोने वाली पहली व्यक्ति कौन है? आंग सॉन्ग सू की। ये भी बहुत चर्चाओं में है, ठीक है, ये म्यांमार की रहने वाली है, बहुत चर्चाओं में, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन, क्या नाम है उनका जिन्होंने नागरिकता खोई है कनाडाई? वह है आंग सॉन्ग सू की। भारत में ई भुगतान पर 24वीं रैंक पर तथा शीर्ष पर नॉर्वे है। अभी भारत की रैंकिंग ई भुगतान में सुधर गई है, वो 28वीं आ गई है, पहले 28वीं से 30 के आसपास 35 के आसपास थी, अभी 28वीं रैंक हो गई है और शीर्ष पे अभी भी नॉर्वे ही है। तो बस ये थे आज के करंट अफेयर्स, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।